बिग बॉस। तो ये हमने नहीं डिसाइड किया भाई, आप ही लोगों ने डिसाइड किया है कि फलक जाएगी घर से। हमने आपके हाथ में छोड़ा था ना ये। तो अब ये भाईचारा बहनचारा इससे निकलो, अपने अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करो। सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोग हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि विनर 4 बनेंगे, 9 बनेंगे? ना 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 भाई, विनर एक ही बनेगा, एक ही बनेगा। तो घर में 2 ऐसे सोशल मीडिया स्टार्स हैं, फकरा इंसान और एल्विश। मैंने कई बार आप लोगों से ये कहते हुए सुना है कि बाहर आ जाओ, रोस्ट करूंगा। बाहर आने की क्या जरूरत है, अभी कर दो रोस्ट। मैदान खुला है, आ जाओ मैदान में। हाँ नीली करेगा ये भाई। ठीक है, विल स्टार्ट विद जिया। जिया देखो, मेरे को पता है आपको मेकअप करना बहुत पसंद है, बट बिलीव मी, चेहरे बदलने के लिए आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। मैं पर आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपकी फेवरेट डिश क्या है? बटर चिकन। आपकी पूजा दी? खिचड़ी और डोसा। जिया की फेवरेट डिश आपने आपको पता क्या है? सिंपथी। जिया उन शैतान बच्चों में से है जिसको हर चीज की चुल है कि ये गलत काम मुझे करना है, पर जैसे ही वो पकड़े जाते हैं तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं कि भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा, ये इस वाले बच्चे की गलती थी। आशिका ने घर में एंट्री करी, आशिका को लगा कि वो बहुत कुछ करने वाली है, मतलब तहस नहस मचाएगी, तोड़ फोड़ करेगी। आशिका नो डाउट आपने बहुत कुछ किया। क्या? हमारे घर का राशन कम। इनका मोटो इस घर में सिर्फ यही है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल बस अविनाश का दुखाई होगा। ठीक है आशिका, आपकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू बिग बॉस के घर में एज अ वाइल्ड कार्ड उतनी ही है जितनी YouTube प्लेटफॉर्म पे टिकटॉकर्स की है। 0 बटा लुल। जैड को लग रहा है यहाँ से निकलने के बाद उसको बहुत सारे बॉलीवुड ऑफर्स आने वाले हैं, मूवीज ऑफर आने वाले हैं। नो डाउट ऑफर्स आएंगे, बट बॉलीवुड मूवीज के नहीं, पर्सनल ट्रेनिंग के। जैड भाई एक वो बॉलीवुड फिल्म के वो वन साइडेड लवर बन चुके हैं, जिसको एक लड़की से प्यार तो बहुत ज्यादा है बट वो समझ नहीं पा रहे कि ये किस टाइप का प्यार है, और जब भी मौका मिलता है अपना प्यार जताने का वो पूरा प्यार जताते हैं, अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स देते हैं, बट लड़की को चाहिए टॉक्सिक लवर। तो जब जब उसकी बारी आती है रिटर्न देने की तो वो ठेंगा दिखाते हैं कि नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। अविनाश भाई, जिस हिसाब से आप चल रहे हैं इस गेम में, बहुत जल्दी आपकी गेम का होने वाला है सत्यानाश। मिस्टर कैप्टन ऑफ द शिप, ये पहले ऐसे कैप्टन है जो शिप को चला रहे हैं बट इनको नहीं पता कि इनके पीछे जो शिप है वो पायरेट्स लूट के जा चुके हैं। अविनाश ने मेरे को ये रियलाइज करा दिया कि भाई उम्र ज्यादा होने से मेच्योरिटी ज्यादा नहीं आती। तो अविनाश जी अपनी समझदारी को थोड़ा बढ़ाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप बिग बॉस हैं। पूजा दी आपके लिए, मुझे पता है आपको, आप बहुत बड़े एनिमल लवर हो, जो आपके पास पसंद हो। अरे मुझे पता है आप बहुत बड़े एनिमल लवर हो, आपके पास एक फार्म है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल है, इसलिए मैं समझ गया कि आपको बेबी का इतनी पसंद क्यों है। जब से आपने वो लाल चश्मा पहना, अब आपको एक कमी थी एक छड़ी की और एक जूड़ा बनाने की, और फिर आप बिग बॉस में रात को घूमते तो एंग्री ग्रैनी चैप्टर 4 तो यहीं पर बन जाता। मैं तो सेक्सी ग्रैनी हूँ डार्लिंग। बट आई एप्रिशिएट आप रिटायरमेंट की एज में भी यहाँ पर आए और आप बिग बॉस का ये वर्ल्ड वॉर शो खेल रहे हैं। रिटायरमेंट में मौत के बाद भी आऊंगी, तुमको भूत बन के तुमको हॉन्ट करूंगी। आई लव यू। बेबी का और टेप रिकॉर्डर में क्या फर्क है? टेप रिकॉर्डर का ऑन एंड ऑफ बटन होता है, आप जो है आपका ऑन एंड ऑफ बटन आपके हाथ में भी नहीं है, वो उसका वॉल्यूम बढ़ता ही जाता है। यहाँ से बिग बॉस से निकलने के बाद आपका जो वो करियर है बॉलीवुड वाला, चले ना चले आई डोंट नो, बट आपका फेस रीडिंग और पाम रीडिंग का करियर तो पक्का खत्म होने वाला है। बेबी का एक लौती ऐसी डॉक्टर है जिसके पास जब पेशेंट आता है तो वो डॉक्टर को बोल देता है, पहले आप अपने दिमाग का इलाज करवाना फिर हमें दवाई देना। दिमाग की डॉक्टर कोई नहीं करते, तभी तो आपको दिमाग की डॉक्टर की जरूरत है। वेलकम टू एल्विश, हमारे भाई को अंग्रेजी नाम इतना पसंद है, इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने एक इतना सरल नाम सिद्धार्थ जैसा नाम छोड़ के एल्विश नाम रख दिया। तो अगर ऐसा है तो आप बताओ, जैड को बता देंगे, आपको बाहर एक्सपोर्ट भी करवा देंगे इस देश में। ठीक है एल्विश जी, आपके नाम में ही विश है, वैसे ही आपकी जुबान में भी विश है,
यादव साहब क्लास के वो बुली बच्चे हैं जो वेट करते हैं कि वीक स्टूडेंट जो है वो कब अकेले में दिखेंगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल जी के सामने तो गाली नहीं देते, बट प्रिंसिपल जी के हट पे वो ऐसा फटना चालू होते हैं बॉम्ब पे बॉम्ब पे बॉम्ब, बट उनको ये रियलाइज नहीं होता कि सिर्फ प्रिंसिपल जी के सामने वो अच्छा बनने के चक्कर में पूरी दुनिया को अपनी विश का एहसास दिला रहे हैं। मनीषा जी है हमारे पेड़ के नीचे बैठ के गुटका खा के दूसरों की चुगली करने वाली आंटी, जो ये बोलती है शर्मा जी के बेटे के तो 95% है, मेरा वाला 94.55 पे क्यों अटक गया। मनीषा जी के सिर्फ दो ही रूप है, एक तो एकदम सरल संस्कारी सुशील भारतीय नारी और एक एकदम शीला की जवानी। मनीषा आपकी कुछ लड़ाइयां इस घर में इतनी ही रियल है जितनी जिया और जैड का प्यार है, और इन दी एंड आई वुड लाइक टू से टू मनीषा, Not everyone is roastable, some are lovable, and I love you. Thank you so much. I love you too. Yes. Thank you, sir. Come, Elvis. मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं कि प्लीज मेरा बुरा मत मानना। नहीं मान चुके हैं। मान गए। विश विश विश। ये रोस्ट करूं तो चुबा के करूं। जी बिल्कुल। तो पहले ही सॉरी। पूजा जी इतनी पेशेंट है, इतनी पेशेंट है, जब से बेबी का उनकी लाइफ में आई है वो लिटरली पेशेंट बन गई। पूजा जी इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि जब भी कभी उनकी फ्यूचर में कोई पार्टनर होगा, उनकी शादी होगी, तो उनके हस्बैंड सोचेंगे कि मैं तो भी लाया था, माँ कहाँ से आ गई। अरे मेरे दोस्त, तारी माँ तो माँ ही ढूंढते हैं हर जगह, ये हम भी ज्यादा कौन जानती जानेगा। I'm sorry. तुम जैसों को तो बीवी के फॉर्म में माँ ही मिलनी चाहिए। पूजा जी को लगता है कि वो इस स्टोरी में ऑलरेडी विनर है, बट मैं चाहता हूँ कि उनके सर में थोड़ी सी चोट लगे, उन्हें पता लगे वो विनर नहीं, विनर की दोस्त हैं। बेबी का जी, इस घर में बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां हैं, कुछ किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, पर सबसे बड़ी गलत फहमी लोगों को ये है कि बिग बॉस के बाद पूजा भट्ट प्रोडक्शंस में उनको मूवी मिल जाएगी। ये गलत फहमी तो हमें भी नहीं है। बेबी का जी घर में किसी से भी नहीं डरती, सबसे टकराती है सब चीज, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के शीशे में अपने आप को देख के बिना मेकअप के होगी। बिना मेकअप तो बहुत अच्छी लगती है। बेबी का जी आपको देख के मुझे बहुत सारे जानवर याद आते हैं, कभी वेल याद आती है, कभी डॉल्फिन याद आती है, बहुत बड़े बड़े जानवर याद आते हैं, पर मुझे कभी कुत्ता याद नहीं आता। आपको पता है क्यों? क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं। मैं कुत्ता बनने नहीं आई हूँ बेटा। बेबी का जी उन बच्चों की तरह जो गाड़ी में आगे बैठ के सारे बटन बुटन छेड़खानी करते हैं, पर और दिल करता है उनके एक लाफा मार के उन्हें चुप करा दें, पर रिश्तेदारों के डर से रह जाते हैं। तो आप तेरे को पढ़ेंगे लाफे, इस गलत हत्ते चढ़ रहा है, तेरे को पढ़ेंगे लाफे। अविनाश ब्रो, आपके ओपिनियन यहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे बहुत ओपिनियन देते हो, इस घर में उतना इम्पोर्टेंट है जितना इस घर में मटन इम्पोर्टेंट है। आते ही वापस। जैड और कैटिलिया में एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही बच्चा बुद्धि है। आशिका बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको ये लगता है ये बिग बॉस नहीं टिकटॉक या इंस्टा है जहाँ पे कमर दिखा के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। टिकटॉक जोक्स रियली। आशिका जी सारी चीजें बैलेंस करना जानती हैं अपनी लाइफ में, जैसे सुबह कॉफी पिला के खुश कर देती हैं और रात को खर्राटे मार के उसे बैलेंस कर देती। आशिका जी को लगता है कि वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छा नाचती है, नो डाउट आप नाचते हो, पर फ्लोर पे नहीं, मनीषा के इशारों पे। गुड वन। इस घर में आके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे पेशेंस, गुस्सा कंट्रोल करना, और भी बहुत बहुत सारी चीजें सीखी, पर जिया के साथ मैंने रह के सीखा कि साबुन का पानी भी पिया जा सकता है। जिया जी इतनी डम है कि उनसे पूछो कि बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वो रिप्लाई करती हैं कि कुछ भी कह लो उसे कहाँ सुनाई देगा। जिया का घर फिल्म सिटी के जंगल के पास ही है, ये सुन के मुझे जरा भी अजीब नहीं लगा क्योंकि सांप जंगल में रहते हैं। जिया को लगता है कि वो मेकअप लगा के सुंदर हो जाती हैं, तो मैं अपील करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इनके दही के साथ एक गलत फहमी की गोली भी भेजी जाए। मनीषा जी जिस तरीके से अभिषेक की गलत चीजों को इग्नोर करती हैं, तो उनका नाम मेरे हिसाब से मनीषा रानी की जगह मनीषा कानी होना चाहिए। जैड को जानवरों से इतना ज्यादा प्यार है कि वो घर की छिपकलियां पकड़ लेता है, मच्छरों को बहुत प्यार से रखता है, मक्खियों को भी बहुत प्यार से रखता है, और सांपों को भी दूध पिलाता है। दोनों में से किसका रोज ज्यादा पसंद आया? एल्विस। एल्विस।
एल्विस। तो एल्विस, हाँ जी भाई, ये रोज तुमको आगे जाके भारी पड़ेगा इसी घर में। Exactly.